इसी बीच सवाईमाधोपुर से बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। फिर किया बाघ ने एक बच्चे पर हमला। रणथंभौर के पास डांगरवाड़ा गांव की घटना है। 10 वर्षीय बच्चे की बाघ के हमले में मौत। रणथंभौर के जोन 10 का ये पूरा मामला है। घटना के 2 घंटे बाद भी नहीं पहुंचे वन अधिकारी मौके पर। ग्रामीणों में घटना को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है। तो बच्चे को बाघ ने अपना शिकार बनाया है और ग्रामीणों में घटना को लेकर आक्रोश नजर आया। तो खेत में काम कर रही महिला के बच्चे के बाघ ने अपना शिकार बनाया है और ग्रामीणों ने बाघ से बालक के शव को छुड़ाया। तो घटना के 2 घंटे बाद भी नहीं पहुंचे वन अधिकारी और ग्रामीणों में इस घटना के बाद आक्रोश है। तो इस वक्त ही ये बड़ी और अहम खबर है सवाई माधोपुर से। महिला के बच्चे को बाघ ने अपना शिकार बनाया है और बाघ के हमले में बालक नीरज की यहां पर मौके पर मौत हुई है, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि घटना की सूचना मिलने के बाद भी जो वन अधिकारी हैं वो नहीं पहुंचे, जिसके बाद ग्रामीणों में काफी गुस्सा है, काफी आक्रोश है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस महिला का रो रो कर बुरा हाल है। और हमारे सहयोगी संदीप गोयल हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, अगर बात करें यहां पर, तो जब यहां पर वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई थी उसके बाद भी यहां पर वन अधिकारी नहीं पहुंचे, आखिर क्या कुछ वजह रही? जी जाननी, मैं बताना चाहूंगा कि ये आज सुबह वन विभाग को एक सूचना मिली थी कि ये जो इनका डागरवाड़ा गांव के पास में इनका एक प्लांटेशन जो है वहाँ एक गाय का शिकार करके एक टाइगर जो है बैठा है, और टाइगर का जो है माना जा रहा है कि वो T108 है। और उसके बाद वन विभाग ने वहाँ ट्रैकिंग करवाई थी, लेकिन वहाँ उनको टाइगर शायद नजर नहीं आया। उसके बाद शाम को जो है ये घटना हुई है, और अभी फिलहाल जो है वन विभाग के अधिकारी और जो संबंधित पुलिस है वो पहुंच गई है और वहाँ मौके पर जो है अभी वो पहुंच गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे लापरवाही जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है संदीप। बिल्कुल, आए दिन जो है ये टेरिटरी की तलाश में जो बाघ जो है वन क्षेत्र से बाहर निकल रहे हैं, आबादी क्षेत्र में आ रहे हैं। ग्रामीण भी ये मांग काफी दिनों से उठा रहे हैं कि या तो उनका विस्थापन समुचित रूप से किया जाए। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने भी ये जो है काफी बार दिखाया है कि एक नए अभयारण्य क्षेत्र की जो है वो जरूरत है, और यहाँ जरूरत से ज्यादा बाघ जो है इनकी जो कैपेसिटी उससे ज्यादा बाघ अभी रणथंभौर वन क्षेत्र में है। तो जब इस तरह की बातें पहले भी उठ चुकी हैं, तो उसके बाद कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई आखिरकार वन अधिकारी की तरफ से? वन अधिकारियों का इस बारे में कहना है कि हमने जो है उच्च स्तर पर प्रस्ताव भेज रखा है, उच्च स्तर पर जो भी उसका फैसला आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर तो लापरवाही कही जाएगी इसको? बिल्कुल, एक तरह से लापरवाही है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग जो है इसमें कमजोर मानी जा सकती है कि जिस ढंग से बाघों की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की जाती है, तो कहीं ना कहीं कैसे वन विभाग के कर्मियों से जो है बाघ आबादी क्षेत्र में पहुंच गया उनकी नजरों से बच के। बिल्कुल, क्योंकि सवाल यहाँ पर यही है कि आबादी क्षेत्र में जिस तरीके से ये बाघ घूमते हुए नजर आए हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस तरह से दोबारा ऐसी घटना ना हो। बिल्कुल, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग जो है इनको और ज्यादा मजबूत करनी होगी, और मजबूत ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग होने के साथ ही बाघों पर नजर रख, क्योंकि पिछले कई बार देखा गया है कि ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है। अभी कुछ दिन पहले भी बाघ की अभी 109 की जो मौत हुई है उसमें भी देखा गया था कि उसको जो घायल हो गया था वो भी उसकी सूचना वन विभाग को करीब 3 दिन बाद मिल पाई थी। तो संदीप, यहाँ पर साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि इससे पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है, लेकिन वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं मूक दर्शक बने हुए हैं यहाँ पर। बिल्कुल, वन विभाग के अधिकारियों की जो है सुस्ती बिल्कुल एक बार की इसमें मानी जा सकती है, और उनको और ज्यादा मुस्तैदी के साथ काम करने की जो है जरूरत है। संदीप, क्या जिस बच्चे की यहाँ पर मौत हुई है, क्या उनके परिवारजनों से आपकी कोई बातचीत हो पाई है? नहीं, परिवारजनों से अभी बातचीत नहीं हो पाई है, और ऐसे समय परिवारजन बड़े गमगीन हैं, उनका भी रो रो के बड़ा बुरा हाल है। और ये जो महिला है जो अपने बच्चे के साथ खेत की एक उड़द की जो फसल इन दिनों वहाँ कटाई का कार्य चल रहा है उसके दौरान वहाँ मौजूद थी और बाहर आया और उसको चपट्टा मार के बेटे को ले गया और उसका शिकार कर लिया। आसपास के लोगों का क्या कहना है, क्योंकि आसपास के जो लोग ग्रामीण लोगों में काफी आक्रोश है इस पूरी घटना के बाद से?
बिल्कुल जैसे ही उसकी मां चिल्लाई थी बालक की जो जिस पर झपट्टा मारा है बाघ ने, उसके बाद आसपास के लोग ग्रामीण वहां पहुंचे हैं और उन्होंने बिल्कुल डरा के आवाज करके और शोर मचा के बाघ को बड़ी मुश्किल से वहां से भगाया है। और ग्रामीण भी बड़े भयभीत हैं कि कल को कहीं कोई दूसरी घटना से वो कहीं ना और परेशान ना हो जाए। तो क्या अभी अगर वन विभाग के जो अधिकारी, क्या अब वो पहुंच चुके हैं वहां पर कि नहीं पहुंच चुके, इसकी कोई जानकारी मिल पाई है आपको? बिल्कुल, फलौदी रेंज के जो अधिकारी हैं, फलौदी रेंज का ये मामला है और वो अभी मौके पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल संदीप, तो जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है, यहाँ पर वन विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि ये घटना पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है, लेकिन वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो मूक दर्शक बने हुए हैं। और जिस तरीके से बाघ के जो मूवमेंट देखे जा रहे हैं, जो आबादी क्षेत्रों में देखने को बार बार मिल रही है, उसके बाद यहाँ पर वन विभाग को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस तरह की घटना जो है वो दोबारा ना हो पाए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से इस बच्चे की मौत हुई है उसको लेकर कई तरीके के सवाल जो है वो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लापरवाही साफ तौर पर यहाँ देखी जा सकती है। तो बच्चे ने बाघ, यहाँ पर जो बाघ ने बच्चे को अपना शिकार बनाया है और उसके बाद इस बच्चे की यहाँ पर मौत हो गई है, ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। जो ग्रामीण है वो काफी विरोध कर रहे हैं इसका, कि घटना की सूचना देने के बाद भी जो वन विभाग के अधिकारी है वो मौके पर नहीं पहुंचे हैं। उनका यह कहना है कि वो अपनी टीमें भेज दिए हैं लेकिन वो खुद मौके पर नहीं पहुंचे। इसको लेकर भी कई सवाल है कि आखिर इस तरह की लापरवाही क्यों बरती जा रही है, इस तरह की अनदेखी क्यों की जा रही है, क्या इस बच्चे की जान की कीमत कुछ भी नहीं है? ये अधिकारी जो है यहाँ पर मूक दर्शक बने हुए हैं। और हमारे साथ मुकेश सैनी, जिला वन अधिकारी, हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। मुकेश जी, जिस तरीके से पूरी घटना ये सामने आई है, यहाँ पर वन विभाग के जो अधिकारी उनकी लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आज ही सुबह इसका पहला फोटोग्राफ आया था काफी दिन बाद, और उसके बाद वहाँ पर क्षेत्रीय वन अधिकारी और संबंधित जो ACF है वो आज भी मौके पे थे। दोपहर में भी वो वहाँ पे मौके पे थे। ACF वहाँ से 3:15 बजे आए हैं और हमारे को करीब 4 बजे के आसपास इस घटना की जानकारी मिली है। तुरंत ही जो है वहाँ पे ACF को और टीम को भेज दिया गया है। मैं लगातार जो भी और कार्रवाई की जो आवश्यकता होती है उन लोगों से संपर्क में हूँ, पुलिस या जो भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे तरफ से कोई लापरवाही है। नहीं, लेकिन सर यहाँ पर जिस तरीके से ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है कि घटना की जानकारी मिल गई उसके बाद जो अधिकारी वो मौके पर नहीं पहुंचे, और ये पहली घटना नहीं है सर, इससे पहले भी इस तरह की घटना जो है वो सामने आ चुकी है। ये तो निश्चित ही है कि जब किसी की डेथ हुई है तो ग्रामीणों में रोष तो होगा ही, लेकिन उसका रोष का कारण ये नहीं है कि हमारे स्टाफ नहीं, आज भी स्टाफ वहीं पे है और वो कोई दूसरी घटना नहीं हो जाए। इस कारण से मैंने करीब 20 से 25 अभी फ्लाइंग के स्टाफ को और यहाँ से मूवमेंट किया है, जस्ट पहुंचने वाला है, ताकि वो टाइगर को ट्रैक करना पहले जरूरी है और वहाँ हम ग्रामीणों से पुलिस से दोनों से संपर्क में है। और घटना किसी की डेथ हुई है तो ये तो निश्चित है कि रोष तो आएगा ही लोगों में। लेकिन मुकेश जी, जिस तरीके से यहाँ पर बाघ का जो मूवमेंट है वो आबादी क्षेत्रों में ज्यादातर देखा जाता है, इसकी क्या कुछ वजह है? क्या इसके लिए कोई ऐसे इंतजाम नहीं किए गए हैं जिससे आबादी क्षेत्रों में ये बाघ ना जाए? आज सुबह जो इस टाइगर का फोटोग्राफ आया था वो भी एक हमारा आचेर प्लांटेशन है, उस प्लांटेशन के अंदर आया था, और इसका दोपहर में जो एक गाय मारने का जो हमारे पास फोटो है वो भी आचेर प्लांटेशन का है। तो अब क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर था, फॉरेस्ट में घूम रहा है टाइगर, तो आप उसको उसके मूवमेंट को इस तरह से तो नहीं किया जा सकता। लेकिन मुकेश जी, आपकी तरफ से अब ऐसी क्या कुछ चीजें की जाएंगी जिसके बाद इस तरह की घटना दोबारा ना हो? नहीं, ये निश्चित है कि हमारे यहाँ जो मेल टाइगर का नंबर काफी बढ़ा हुआ है, तो उस मेल टाइगर के नंबर बढ़ने से टेरिटरी का फाइटिंग जरूर हुआ था। हम उच्च अधिकारियों को अभी पहले भी अवगत करा चुके हैं, अब भी अवगत कराएंगे कि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करें। लेकिन क्योंकि इस तरह की घटना से लोग काफी गुस्से में हैं और यही है ना कि लापरवाही यहाँ पर कही जा सकती है सर, भले आप इस बात को माने या ना माने। लापरवाही के आज सुबह भी हमारा स्टाफ है, सुबह से लेके दोपहर तक हमारे ACF और RO वहाँ पर खुद मौके पे मौजूद थे जहाँ पे टाइगर का मूवमेंट था। जी मुकेश जी, और हमारे संवाददाता निर्मल भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि वो अपना सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। निर्मल जी, आप अपना सवाल पूछिए मुकेश जी से। मुकेश जी, सीधे तौर पर हालांकि काफी अच्छी व्यवस्थाएं आपने की हैं, वहाँ मानसून के बाद पार्क खुल भी गया, लेकिन T-104 की 3 घटनाएं होती हैं। उसके बाद फरिया गांव में 21 सितंबर को एक घटना होती है, एक बाघ और हमला करता है, उसको लेकर के अभी तक कोई चीजें सामने नहीं आई हैं। अब ये इस बालक के नीरज के ऊपर हमला होता है, ये 5वां हमला है पिछले 1-1.5 महीने के अंदर अंतराल में, क्या कारण है? क्या टेरिटोरियल फाइट है या टेरिटरी में जो बाघ ज्यादा है उसकी वजह से यहाँ पर ये स्थिति देखने को मिलती है? इन क्षेत्रों में
T108 और T109 है, ये T8 के कब्स हैं, और चूंकि अब इनकी एज लगभग 2 साल से ज्यादा हो चुकी थी, ये अपनी टेरिटरी की तलाश जरूर कर रहे हैं, क्षेत्र ढूंढ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में टेरिटोरियल फाइटिंग से तो इनकार नहीं किया जा सकता। तो मुकेश जी, क्या कोई प्रस्ताव बनाकर भी भेजा है यहाँ पर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को कि यहाँ से इन बाघों को शिफ्ट किया जाए? अभी इस तरह का कोई कॉन्क्रीट प्रस्ताव बना के भेजा है, लेकिन फील्ड डायरेक्टर साहब और हम कई बार इस संदर्भ में चर्चा जरूर करते हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई प्रस्ताव तो पूरी तरह से नहीं भेजा गया है। तो क्या आप मानते हैं कि बाघों के लिए क्षेत्र छोटा पड़ रहा है, जिस तरह से बाघों की संख्या बढ़ी है? नहीं, बाघों के लिए क्षेत्र छोटा पड़ता है ये बात, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे यहाँ जो मेल का नंबर है वो थोड़ा सा फीमेल के नंबर से ज्यादा है, जिसकी वजह से बाघों का डिस्पर्सल ज्यादा हो रहा है। अच्छा मुकेश जी, एक अंतिम सवाल भी पूछना चाहूंगा कि क्या ये जिस तरह से बीच में भी हुआ था कि 1 से लेकर 5 जोन के अंदर फुल डे सफारी बंद करने के बाद, क्या ज्यादा सफारी पर्यटकों की संख्या की वजह से तो इनके व्यवहार में चेंज नहीं आ रहा बाघों के व्यवहार? सर, टूरिज्म का क्या है कि मैं बहुत ज्यादा देखता नहीं हूँ, इसलिए अभी भी मैं रास्ते में हूँ, मेरा टेलीफोन भी आपका जो है रात में कट भी जाएगा, तो टूरिज्म वाले मुद्दे पे तो हम बाद में बात कर लेंगे, पहले तो हम बाघ के लिए अभी देखते हैं, वहाँ जा रहा हूँ मैं ना। चलिए मुकेश जी, धन्यवाद। आप सभी का शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से बात करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर वन विभाग के अधिकारी बिल्कुल भी नहीं है, सूचना मिलने के बाद यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी।